आयुक्त वो बैठे हैं, आप बैठे हैं, पुलिस अधीक्षक बैठे हैं, कलेक्टर बैठे हैं, फिर ऐसी क्या कानून व्यवस्था की कोई दुर्स्थिति नहीं है, निगरानी है, कानून व्यवस्था बिल्कुल सही है और कानून व्यवस्था बिगड़ने भी सर 40 घंटे से सब मोटी हो रही है सर, की दुर्गति हो रही है, क्या मामला वार्ता तक पोस्टमार्टम हो गया, सौ का जल्दी कराएंगे, अभी रात में शायद नहीं होता है, नहीं सुबह तक हो जाएगा, हो जाएगा सर। अभी तक क्या वार्ता कहां तक पहुंची, क्या डिमांड है आपके, वार्ता क्या है, वो तो स्थिति देख रहे हैं हम लोग क्या है कैसे है, कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है और शव का पोस्टमार्टम हो गया है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी अभी। क्योंकि विधायक अंदर वार्ता कर रहे हैं, आपके साथ में भी वार्ता हुई है, तो क्या वार्ता सकारात्मक जारी है या अभी वार्ता जैसी कोई बात नहीं है, वो अपनी बातें बता के गए हैं, वो बातें चल रही हैं, हर तरीके से पता किया जा रहा है क्या हुआ कैसे हुआ। तो सर ये जो धरना दिया जा रहा है, जो मरीज जो जेल के अंदर थे उनको ऐसे 13 लोगों को बता तो मैंने आपको, सुबह पोस्टमार्टम होगा उसका, जो जिसका देहांत हुआ है सुबह पोस्टमार्टम हुआ, चूंकि रात में नहीं करते हैं, और बाकी जो भर्ती हैं उनके इलाज की पूरी पुख्ता व्यवस्था कराई जा रही है। मुख्यमंत्री जी से कोई निर्देश प्राप्त हुए इस मामले में लेकर, सीएम साहब से कोई निर्देश प्राप्त हुए इस मामले में लेकर? पूरी सरकार से चौबंद है, तो सरकार हर चीज पे निर्देश देती है, फीडबैक लेती है, कहीं ना कहीं इसमें फेलियर नजर आ रहा है, सारे मरीज है वो अचानक ही सामने आए, अभी ये कहना, चूंकि इसमें जांच चल रही है, जुडिशियल इंक्वायरी चलते हुए मेरे लिए कुछ भी कहना उचित नहीं। सर आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि जोधपुर से यहाँ आना मतलब मामला सीरियस था, क्योंकि सरकार से कोई इंस्ट्रक्शन थे तभी यहाँ पहुंचे। जोधपुर से बाड़मेर मेरा इलाका है, मैं यहाँ जब चाहूँ तब आऊँ, ये मेरे इलाके में आता है, मेरे ही जोन का पार्ट है, मैं यहाँ बिल्कुल आ सकता हूँ। जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है, जब जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है तो क्या सही है क्या गलत, यह निर्णय न मैं कर सकता हूँ नहीं प्रशासन कर सकता है। मतलब क्या मांग रख रहा है सर, वो आप उनसे पूछिए उनकी क्या मांग है, आपसे कोई बातचीत हुई होगी सर? हमारे पास उन्होंने अपना पक्ष रखा है, अभी बातें चल रही हैं, बट जब जुडिशियल इंक्वायरी जब चल रही है तो इस बीच में क्या सही है क्या गलत क्या है, पुलिस और प्रशासन कोई निर्णय दूसरा करने के, पुलिस प्रशासन अभी फिलहाल इस जगह पे कानून व्यवस्था बनाना हमारी जिम्मेदारी है और कानून व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद रहेगी, ये मैं आपको कह रहा हूं। धरना हटाया जाएगा, कानून व्यवस्था लोकतंत्र में यदि कोई धरना दे रहा हो और यदि शांतिपूर्ण हो, नियमों के तहत हो, तो उनको अधिकार है, अगर नियमों के तहत है तो, बट कानून व्यवस्था अगर बिगड़ेगी तो उसको संभालने के लिए हम लोग हैं, कानून व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है, ठीक रहेगा। मतगणना का दिन आने वाला है सर, इसलिए ये मतगणना बिल्कुल सही होगी, मतगणना के लिए व्यवस्था पुलिस ने कर रखी है, प्रशासन ने कर रखी है, मतगणना बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से कराने का। सर क्या समझ रहे हैं, अभी कितनी देर और इंतजार करना पड़ेगा इस वार्ता को? नहीं, इंतजार आप किस लिए कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बीजेपी पहुंचेगी ये वार्ता या वैसे ही है? मैं कह रहा हूँ आपको, ये कोई वार्ता नहीं चल रही, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, हमने सुना है, बाकी चीजें चेक करा रहे हैं क्या है कैसे है, इसको अगर आप वार्ता करो तो कोई वार्ता नहीं। थैंक यू।